खान एंड एसोसिएट्स ने लोअर बाजार थाना में पुलिस वालों को सम्मानित किया। लोगों का पुलिस वालों के प्रति जो नज़रिया था वो अब और भी सकारात्मक हो गया है। इस देश को बहादुर पुलिस वालों की ज़रूरत है। इन बहादुर पुलिस वालों का सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। दोनों पर्व हैं और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व हैं विभिन्न समुदायों के लिए, इसीलिए हम लोगों ने आज जो अपने समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आज फिर से एक बार बैठक कर लिया, उनसे बातचीत कर ली, शाम का हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया। इसी बीच कुछ लोगों द्वारा सम्मानित भी किया गया पुलिस वालों को, ऐसा मौका बहुत कम आता है, पर हम लोग उसी की तैयारी में हैं कि आज शाम और आगे जितने आने वाले त्यौहार हैं उसके लिए आपसी भाईचारा और आपसी मिल मिलाप से हम लोग ऐसे उसको बना सकें। सुनने में आया है कि जो पुलिस वाले हैं वो सिविल वर्दी में रहेंगे, मतलब आम नॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, ताकि जहां उत्पाद हो रहा है वहां पर नहीं, दोनों तरह से रहेंगे। कुछ ये पुलिस का स्टैंडर्ड टेक्निक है कि कुछ लोग जो हैं वर्दी में भी रहेंगे और ऐसे जो सेंसिटिव स्थान है वहां पे बिना किसी को बताए। भीम सिंह की जो कुर्बानी दी है, जो इतना बड़ा केस को पकड़ा है, उनको क्या कहें? उसके लिए रिवार्ड के लिए मुख्यालय में प्रस्ताव भेज दिया गया है, जल्दी ही उनको सम्मानित किया जाएगा मुख्यालय की तरफ से। शुक्रिया। जो अभी एडमिट है मैदानता में, जिनको गोली लगी, एक अपराधी को पकड़ने गए, अपराधी ने उन पर गोली चला दिया, वो बेचारे जख्मी हो गए, फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मैं उस अपराधी को पकड़ लूं, लेकिन वो उनके पकड़ से बच गया क्योंकि वो जख्मी हालत में। सर एक सवाल ये है कि बहुत सारे जब अपराधी जो है दोनों का झड़प हो रहा था, प्रशासन और अपराधी का, तो बहुत सारे लोग तमाशबीन बने। देखिए सबसे बड़ी बात यह है पत्रकार महोदय कि जब किसी के पास आर्म एंड एमुनेशन होती है, हथियार होती है, और लोग बहुत ही डिफरेंट मूड में रहते हैं, गोली चलने की भी आशंकाएं बनी रहती है, तो देखिए हम लोग एक इंसान हैं, हमें भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि वो गोली कहीं हम पर ना लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज हमारा तमाशबीन बना रहता है, उसकी भी प्रश्न कर देना या फिर उस केस में उसको एक्विटल कर देना, लेकिन हम लोग भी समाज के अंग हैं, पुलिस भी हमारा भाई है, हम भी उसके भाई हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस रात को जगती है तो सर हम रात को चैन की नींद अपने घर में लेते हैं। इस बात को हमें जानना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, और जहां तक हो सके प्रशासन के लोगों का मदद करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करनी चाहिए। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। मैं खान एसोसिएट्स लीगल फर्म का मैं प्रेसिडेंट अकील खान और बाकी सारे मेरे एसोसिएट्स के मेंबर हैं, और आप तमाम पत्रकार भाइयों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भी अपना कीमती वक्त निकाला हम लोगों के लिए, और आप सबों को शबे बारात और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। स्वदेश वाणी।